अभी जो हम लोग पंच में हम लोग सीट कवर लगाए वो काफ लेदर क्वालिटी में सीट कवर है और ये डायमंड पैटर्न शेड में, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये एक लौता सीट कवर है जो फुल बकेट फिटिंग के साथ आता है, इसको ओवल बकेट फिटिंग भी बोलते हैं। जैसे कि आप ये आप फिटिंग देख सकते हैं, हेडरेस्ट की देख लीजिए, चाहे साइड पैनल एड्रेस है लालबाग लखनऊ में, ये हमारी दुकान है जिसका आप ये देख सकते हैं, मंशा का रेस्टोरेंट सीरीज है। और ये जो हम लोग पंच में हम लोग सीट कवर लगाए वो काफ लेदर क्वालिटी में सीट कवर है और ये डायमंड पैटर्न शेड में, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये एक लौता सीट कवर है जो फुल बकेट फिटिंग के साथ आता है, इसको ओवल बकेट फिटिंग भी बोलते हैं। जैसे कि आप ये आप फिटिंग देख सकते हैं, हेडरेस्ट की देख लीजिए, चाहे साइड पैनल की फिटिंग देख लीजिए, काफी अच्छी मिलती है आपको। कोई भी गाड़ी वैसे हम लोग प्रॉपर फिटमेंट करके देते हैं, अक्सर पंच अल्ट्रॉस टियागो ऐसी ही आपको फिटिंग मिलेगी। आप दोनों सीट देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो काफी अच्छी आपको फिटमेंट मिलेगी इस आइटम की। साथ ही साथ इसमें हमने एक हैंड स्टिचिंग स्टीयरिंग कवर लगा रखा है, जैसे आप ये देख सकते हैं। और कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बाहर से कोई फिटिंग कराई होगी, क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है हमारी। और साथ ही साथ इसमें हमने एक लैमिनेशन मैटिंग लगाई है, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, ये प्रॉपर हमारी लैमिनेशन मैटिंग है जो कि फुटरश कटिंग के साथ आपको मिलता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारा फुटरश कटिंग के साथ मिलता है, प्रॉपर फिटिंग है। और ये आपको आगे से ये मैटिंग आपको आगे से पीछे तक के लिए मिलती है। आइए डिग्गी मैटिंग दिखाते हैं इसकी, आगे से पीछे तक जैसे लगाते हैं, आगे से पीछे तक का हमारा डिग्गी तक रहता है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। ये प्रॉपर आयरिश क्वालिटी होती है, आगे से पीछे डिग्गी तक का हमारा कंप्लीट होता है, अलग से कुछ भी नहीं देते, साथ ही साथ रहता है, ज्यादा महंगा भी नहीं होता, बहुत फायदेमंद होता है आपकी पंच के लिए। तो हमने इसमें रियर गार्ड लगाया है, ये तीन फिटिंग वाला रियर गार्ड होता है, काफी मजबूत होता है, ब्लैक अलॉय मटेरियल का होता है, ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ इसका बहुत अच्छा ग्रेस मिलता है आपको, प्रोटेक्शन के साथ लुक भी आपको बहुत प्यारा मिलेगा, जैसा आप ये देख सकते हैं। आइए दूसरा आइटम दिखाते हैं।
मनीष भाई हैं जिन्होंने इतनी खूबसूरत रैपिंग लगाई है पूरे पंच में जो कि डुअल टोन किया है। आइए इनसे बात करते हैं कि रैपिंग करने के बाद हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मनीष भाई, क्या गंदा कपड़ा नहीं लगाना है, दूसरी गाड़ी धूप में कम खड़ी करनी है। अच्छा, इससे आपका जो है ग्लॉस बना रहेगा जी, शाइनिंग रहेगी और ये उखलेगा। अच्छा, तो हम भी यही चाहते हैं भाई, अगर आप रैपिंग कभी कराते हैं तो तीन चार चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा। खुली भी गाड़ी नहीं खड़ी करनी है, गंदे कपड़े से गाड़ी साफ नहीं करनी है। अगर कभी डस्ट वगैरह गाड़ी के ऊपर रहे तो पहले उसको एक डस्टर से आप साफ कर लीजिए या पानी मार के साफ कर दिए, तब उसको साफ करें। अन्यथा उसमें क्या होता है, रेशे पड़ जाते हैं, लाइन पड़ जाती है, स्क्रैच आने लगते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा।